गल्फा लैबोरेटरीज लिमिटेड पद्दी आप सभी से अनुरोध करता है कि कोविड 19 को लेकर आप सभी सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सैनिटाइजर एवं मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, क्योंकि आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा आपके अपने हाथ में है। लॉकडाउन पार्ट 3 के पहले दिन सोलन के बाजारों में भीड़ उमड़ आई। प्रशासन ने इस दौरान काफी रियायतें दी हैं, लेकिन ऑड इवन फॉर्मूले पर लोग उलझन में दिखे। कुल मिलाकर बाजार में भीड़ के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग कायम करना भी मुश्किल हो गया। वहीं शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई, जिस पर प्रशासन काफी अलर्ट रहा। राज्य कर एवं आबकारी विभाग के जिला आयुक्त हिमांशु पंबर ने स्वयं मॉनिटरिंग की और शराब विक्रेताओं को उचित दिशा निर्देश दिए। स्पष्ट है जी, जैसा कि माहौल है और जैसा कि जो प्रिकॉशंस हमें एक्सरसाइज करने हैं पब्लिक प्लेसेस में जाते हुए, वो स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। तो शायद हम दे रहे हैं कि एक तो अभी शराब की दुकानें खोली गई हैं, निर्धारित समय के लिए खोली गई हैं, जैसा कि उपायुक्त सोलन द्वारा निर्देशित है कि 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक दुकानें खुलेंगी। और इसमें जो है वो परस्पर जो दूरी बनानी है जो कस्टमर्स के बीच में, उसकी जिम्मेदारी जो है वो सेल्समैन की है, ठेकेदार की है। इनको ये बताया गया कि बगैर मास्क कोई व्यक्ति है उसको जो है शराब की बिक्री नहीं करनी है। खुद भी सेल्समैन जो है मास्क यूज करेगा और जो डिस्टेंस के मार्क्स हैं वो हर दुकान के आगे जितना संभव हो जितना स्पेस अवेलेबल है डिस्टेंस के जो मार्क्स हैं उनको लगा करके उसको फॉलो करना है। जो भी कानूनों अनुसार कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। और स्ट्रिक्टली ये है कि क्योंकि ये सरकार ने राज्य क्षेत्र में जो हमें अवसर दिया है कि जो है दुकानों को जो है चलाया जा सके, जिससे कि व्यवसायिक गतिविधियाँ जो है वो चलें और लोगों का रोज़गार और वो चले, तो उसके को ध्यान में रखते हुए जितना संभव होगा उतनी हम प्रिकॉशंस लेकर के उसको स्मूथली चलाने की कोशिश करेंगे। जो नहीं उसको अनुपालना करेगा तो उसके विरुद्ध जो है कठोर से कठोर कार्रवाई हम करेंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से प्रदीप के साथ सुरेंद्र ममटा की रिपोर्ट। मैं सभी प्रदेशवासियों को इस विपदा की घड़ी में करबद्ध आग्रह करना चाहता हूं कि जैसे कि हमारे देश की आबादी बाकी सब देशों से बहुत अधिक है, परंतु हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के दिए हुए दिशा निर्देशों के तहत सभी भारतवासियों ने, खासकर हिमाचल वासियों ने जो लॉकडाउन का पालन किया है, उसी तरह से आने वाले समय में भी लॉकडाउन का सरकार द्वारा दिए हुए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पालन किया जाए। केवल मात्र कोरोना की यही एक औषधि है, यही एक उपचार है। मैं सभी से फिर से करबद्ध यह विनती करना चाहता हूं कि कृपया अपने अपने घरों में रहकर फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाकर इसका उपचार किया जाए और इस कोरोना वायरस को हराया जाए। धन्यवाद। मैं हरवंश पटियाल, प्रदेश कोषाध्यक्ष लघु उद्योग भारती हिमाचल प्रदेश। मैं आज जिस तरह से हमारा पूरा देश, विश्व और हिमाचल प्रदेश कोरोना जैसी भयानक महामारी से ग्रस्त है, उसके बारे में लोगों को इतना ही संदेश देना चाहूँगा कि हमें इस भयानक बीमारी से लड़ने के लिए खुद ही ध्यान रखना होगा। जिस तरह से हमारी केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और प्रशासन हमें दिशा निर्देश और प्रोटोकॉल के बारे में बता रहा है, उसका हमें पालन करना है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी एक ऐसी भयानक बीमारी है कि इससे अभी तक किसी ने भी कोई सफलता हासिल नहीं की है। बड़े बड़े देश इसके सामने नतमस्तक हो गए हैं, लेकिन इसका एक ही परहेज है, वो है हमें आपस में
दूरी बना के रखना है, जिसको हम सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, और मास्क पहन के रखना है, और बार बार अपने हाथों को साबुन से साफ करते रहना है। अगर हम इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे तो हम कोरोना जैसी भयानक बीमारी जिसने पूरे देश और पूरे विश्व को जकड़ रखा है उससे हम बच सकते हैं। इस भयानक बीमारी को रोकने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से पहल करके पूरे विश्व के अंदर भारतवर्ष के बारे में ये एक मैसेज दिया कि हम एक इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी बड़ी से बड़ी बीमारी का सामना कर सकते हैं और उसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। और साथ ही हमारे देश हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय जयराम ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर समय समय पर जो नियम बनाए और जितनी शक्ति के साथ इसके साथ लड़े, और आज बड़ी खुशी की बात है कि हिमाचल प्रदेश में मात्र 2 ही केस बचे हैं कोरोना के, बाकी सभी जितने 40 केस आए थे वो सभी नेगेटिव हो गए हैं। ये हम हिमाचल वासियों के लिए राहत की बात है। लेकिन अभी जिस तरह से देश और प्रदेश में हमारी इंडस्ट्री खुल रही है और हमारी दुकानें खुलने की बात हो रही है, इसमें मैं इतना ही अपनी लोगों से आह्वान करना चाहूँगा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें, और ये ज़िंदगी के अंदर हमें काफ़ी लंबे समय तक लेके चलना पड़ेगा और हमें अपने लाइफ के अंदर एक लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा, तभी हम इस भयानक बीमारी से बच सकते हैं। यही मेरा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद।